दोस्तों कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आज नई वीडियो लेके आए हैं। ये गाड़ी है बोलेरो पिकअप है जो मेरे पीछे है, ये नहीं है, वो कहीं और गाड़ी है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए उसके बारे में हम दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों का नहीं काम कर रहा है एक्सीलेटर इसका। तो जिन भाई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए समय न कमाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा गाड़ी है बोलेरो पिकअप है। तो देखिए इसको हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं और पेडल प्रेस करके भी दिखाएंगे। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो देखिए लाइट गया था फिर लाइट आ गया है चेक इंजन का। आपको चलिए प्रेस करके आपको दिखाते हैं। देखिए पेडल प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्सीलेटर कुछ भी नहीं ले रहा है पेडल प्रेस करने से। चलिए सबसे पहले आपको मास्कनेर में चेक करके दिखाते हैं कि क्या कोड आ रहा है। ये देखिए पेडल सेंसर का ही आ रहा है कोड। तो मैटिक क्लियर कर देते हैं। फिर से देखिए ये दोनों पेडल सेंसर का है, पेडल वन सेंसर वन सेंसर टू का। तो इसी में कहीं होगा दिक्कत। वही देखिए ये कहीं चूहा काट दिया है, उतर दिया है वायर को। चलिए इसको हम खोल कर दिखाते हैं। ये देखिए पांच वायर काटा है, पांचों ये पेडल सेंसर का ही है। ये पांच वायर काटा है, पांचों पेडल सेंसर का ही है। तो इसको हम आपको टेपिंग करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने सारा टेपिंग भी कर दिए हैं और आपको अब स्टार्ट करके दिखाते हैं एक्सीलेटर ले रहा है या नहीं ले रहा है। मारो ये रिसेट मारो। तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो देखिए स्टार्ट भी कितने अच्छे से ले रहा है। देखिए प्रेस करने से स्टार्ट भी ले रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो।